राजनीति के आंगन से जुर्म की दुनिया तक, ग्रामीण इलाकों से शहर की गलियों तक, प्रदेश की हर छोटी बड़ी खबर से करेंगे आपको रूबरू। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कार्यचर को स्वागत देख रहे हैं प्रेम टाइम में। सच और कुछ नहीं, आई आज की ताजा खबरों को नजर डालते हैं, बने रहिए हमारे साथ। घटिया उज्जैन में सुधर रही समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीदी व्यवस्था, गेहूं के तोले पर बिल नहीं बने, पंजीयन सत्यापन नहीं होने से किसानों को आ रही समस्या। घटिया तहसील क्षेत्र के गेहूं उपार्जन केंद्रों पर किसान अपनी उपज बेचने के बाद ठगासा महसूस कर रहे हैं। कुछ किसानों का कहना है कि फसल बेचने के बाद नहीं बन पा रहे हैं और कुछ किसान अपनी उपज लेकर गेहूं उपार्जन केंद्र पर पहुँच रहे हैं तो यहाँ कंप्यूटर पर किसानों का पंजीयन सत्यापन नहीं होना बताया जा रहा है। ऐसे में किसान समस्या में है। कुछ किसानों का मौखिक आदेश पर बिना SMS पहुंचे गेहूं खरीद लिया गया, जिसके नहीं बनने की शिकायत आ रही है। ऐसे में किसानों को फसल उपार्जन केंद्र पर बेचना परेशानी का सबब बन रहा है। संवाददाता संदीप मौर्या उज्जैन। क्या नाम है आपका? कमलाल चौधरी मेरा। सर, किसानों के बिल नहीं बन पा रहे हैं और मैसेज नहीं छूट रहे हैं, क्या कारण है? किसानों के कुछ किसानों के पंजीयन तो सत्यापन नहीं हुए, ऐसा सॉफ्टवेयर में बता रहा है, और कुछ किसानों का रकबा कम हो गया है। किसानों ने बोया चना है, पंजीयन में क्यों करवा दिया? शुरू शुरू में पंजीयन बिना गिरदावरी अब से हो रहे थे, उस कारण कुछ पंजीयन में मिस्टेक हुई है, और बाद में जब वो सत्यापन हुआ सरकारी गिरदावरी एप से, तो उसमें वो रकबा कम हो गया। किसान पंजीयन के हिसाब से अपनी उपज लेके आ रहा है और हमारे सॉफ्टवेयर में कम आ रहा है, इस कारण से कुछ किसानों के बिल नहीं बन पा रहा है। जिन किसानों के हमने पहले पंजीयन चेक कर लिया उनके तो बिल कंप्लीट हो गए, और जिनका कुछ क्विंटल बचा है उनको बोलते हैं कि आप गांव में कोई भी परिचित हो अपना, उसके नाम से करवा लीजिए, अब इसमें संशोधन होना संभव नहीं है। क्या नाम है आपका? सरदार खान सना पल्ला बेली खान। क्या समस्या आ रही है आपको? ये सत्यापन नहीं हो रहा पंजीयन का। क्या लेके आए हो? गेहूँ बेचने के लिए। बेचने के लिए? अच्छा, मैसेज आया था आपके पास? मैसेज नहीं आया। कितने गेहूँ हैं? एक पहली माल है अभी तो, बाकी घर पड़ा। तो अब क्या करोगे? अब सत्यापित नहीं हुआ तो अब इसको कहाँ ले जाए, क्या करें? मतलब जो खाली घर ले जाए क्या करें? क्या समस्या आ रही है आपको? मैंने सोसाइटी में गेहूँ ले जाके 3 तारीख को गेहूँ तोला था, और पंजीयन ने लेके गया उनके पास बिल बनवाने, तो बोला सर तुम्हारा सत्यापन नहीं हुआ है, इसमें रकबा वगैरह कुछ भी नहीं आ रहा, तो मेरा बिल जब से अभी तक नहीं बना, बार बार जाऊँ तो ये बोला। अभी तक सत्यापित ही नहीं हुआ आपका? हाँ, अभी तक नहीं हुआ। आपको आज बोला है तहसीलदार साहब की मदद से नहीं होगा, मैंने 10 किसान को पूछा, वो तो आगे से